स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, यहां डर लगता है। अगर आपसे कोई कहे कि कोई साया आपका पीछा करता है या मुझे डर लगता है, तो कुछ लोग उस पर यकीन करेंगे और हो सकता है कुछ लोग यकीन ना भी करें। लेकिन शिमला में ऐसा किस्सा कई लोगों से सुना जाता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी का भूत अब भी रात के अंधेरे में समर हिल की सैर पर निकलता है। यहां कई लोग एक महिला की आत्मा दिखने का भी दावा करते हैं। अलग अलग तरह की खौफनाक कहानियां यहां की किस्सा गोई का हिस्सा हो गई हैं। भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्मा, इन सब पर आप यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन शिमला में कई लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। उनका सामना चुड़ैल से हुआ है। किसी साए ने उनका पीछा किया है। शिमला जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही खौफनाक भी है। शाम गहराने पर एक खामोश सन्नाटा पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है और बस वहां पसर जाता है खौफ। शिमला में वो खौफनाक इलाका है रीच एंड स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट शिमला में खौफ की कहानियों का सालों से हिस्सेदार रहा है और इसकी वजह है कि एक फिरंगे की वर्दी में घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में समर हिल की सैर के लिए निकलने वाला भूत। इस घोड़े के चलने की थाप अब भी सुनाई देती है जो सन्नाटे को तोड़ देती है। और उस आवाज के साथ खौफ पसर जाता है। यहां सालों से इस भूत की कहानी सुनाई जाती है, हालांकि कोई नहीं जानता कि इस अंग्रेजी भूत का राज क्या है, लेकिन हर कोई इस भूत के डर से रात के अंधेरे में स्कैंडल पॉइंट की तरफ जाने से हिचकिचाता है। मेरा नाम करणंदा है और मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरे पुश्तैनी परिवार यहीं पे है, जाखू में रहता है। जो आपका शिमला शहर है ये पहले से ही हॉन्टेड शहर के रूप में माना जाता है और यहाँ पे पहले ही बोलते हैं कि भूतिया प्रभाव पहले रहता था। हमारे बाप दादाओं ने भी हमें दो तीन चीज़ें सुनाई थी इसके बारे में कि पहले यहाँ पे जो ये होता था एरिया जिसका नाम आपका फॉरेस्ट रोड है, वहाँ पे कई प्रकार की अनहोनी चीज़ें होती थी। उसमें से एक कहानी थी हेडलेस हॉर्समैन की, कि उसमें बोला जाता था कि भाई घोड़ा घाड़ी पे एक व्यक्ति आता है जिसका सर नहीं होता और हाथ में लालटेन होता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो पहले उसमें चलती थी। अब जो है अगर आप देखेंगे मेरे से एक आप बीती चीज़ है, जो आपको बीड्स कॉलेज का चौक है वहाँ पे चुड़ैल बाउड़ी के नाम से उसको जाना जाता है, जब हम वहाँ जाते हैं तो काफ़ी अनहोनी चीज़ें जो है हमने पहले भी सुन रखी थी। पर जब हम फॉरेस्ट रोड की तरफ हम आ रहे थे तो उसमें रात के तकरीबन 12 एक बजे का समय था और आगे जो शेड वहाँ पे बना था ग्राउंड में, वहाँ पे हमें दो टिमटिमाती लाइटें दिखाई दी जो कि आपस में चल रही थी और वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो इस प्रकार की जो घटना है वो मेरे ऊपर आप बीती है। एक बार जो मेरा ड्राइवर है उसके साथ भी ये घटना घटी थी। उसमें ऐसा था कि बीड्स चौक पे एक महिला जो थी उनको सफेद वस्त्र में दिखी थी, पर जब वो रात को 1 बजे उसको क्रॉस करके उन्होंने रेयरव्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई भी साया नहीं था। तो इस प्रकार की घटना वहां की मैं जो है वो आप बीती और सुनी, दोनों मेरे साथ हुई है। शिमला में घोड़े पर सैर करने वाले भूत की कहानी पर कुछ ही लोग यकीन नहीं करते। बल्कि कई लोगों का दावा है कि उनका सामना शिमला में कई बार चुड़ैल से भी हो चुका है। शिमला में एक चुड़ैल बाउदी है। इस जगह का नाम चुड़ैल बाउदी शायद इसीलिए ही है क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ एक चुड़ैल का राज कायम है जो सफेद साड़ी में कई बार लोगों को दिखाई देती है, जो लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई है। मेरा नाम है जी भीम बहादुर। इसका जगह का नाम है जी चिड़ैल बौड़ी है। यहाँ पे जो है रात को 12 बजे के आसपास कभी कभी देखती थी पहले, आज से पहले 8-10 साल पहले
और उसके बाद तो यहाँ अभी तक तो कोई पता नहीं जी। हम तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रहते हैं, उसके बाद बंद ही रहता है यहाँ जी। कि यहाँ पे पहले लैंटर होता था जी खाली, तो इसके ऊपर जो है रात को 1-1.5 बजे के करीब मतलब कि दिखती थी बली, चुड़ैल दिखती थी यहाँ पे, इसका स्थान है यहाँ पे। भूत प्रेत चुड़ैल से सामना होने का दावा शिमला में कई लोग करते हैं, लेकिन दावों को एकदम सटीक तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि शिमला में कई जगह कुछ तो बेहद अलहदा और कुछ अजीबोगरीब जरूर होता है। शिमला से सुनील परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। शिमला में जहां एक तरफ खूबसूरती ने अपना आंचल फैलाया हुआ है, वहीं शाम गहराने के साथ सन्नाटे के साथ पसर जाता है खौफनाक मंजर। तभी तो लोग कहते हैं कि यहां डर लगता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Oh, my God.